सनम बेवफा का रिमेक क्यों बनाया जा रहा? सनम बेवफा के रिमेक से सलमान खान को 1,000 करोड़ का फायदा कैसे हो सकता है? सनम बेवफा के रिमेक में सलमान खान हीरो होंगे या कोई नया चेहरा? सलमान खान की किस फिल्म का टाइटल पाकिस्तानी फिल्म से लिया गया है? सलमान खान की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म कौन सी थी और किस फिल्म में पहली बार एक्शन अवतार में दिखे सुल्तान? सलमान को अपनी टीचर से प्यार क्यों हो गया था? सलमान रिश्तों एवं परिवार पर आधारित फिल्में क्यों करते हैं? आपका स्वागत करते हैं बॉलीग्राड के गलियारे में। सलमान खान को बॉलीवुड में 30 साल होने जा रहा है। इन 30 सालों में सलमान खान अब सबके भाई जान बन चुके हैं। 15 अगस्त को भारत का टीजर लॉन्च करके सलमान खान ने सबको चौंका दिया था। इसके बाद से प्रोड्यूसर सलमान खान के रिश्तों पर आधारित फिल्मों का या सीक्वल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर रिमेक बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा देश भारत रिश्तों का देश है, जहां पर लोग रिश्तों के लिए जीते हैं और रिश्तों के लिए जान दे देते हैं। सनम बेवफा जैसी फिल्म का रिमेक बनाने के पीछे वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि जब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बने हैं तो बॉलीवुड भी अपनी तरफ से भारत पाक की दोस्ती पर आधारित फिल्में बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसी श्रृंखला में सलमान खान की सनम बेवफा का रिमेक एक उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है, क्योंकि इस बार सनम बेवफा के रिमेक को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दो परिवारों के बीच पनपे रिश्तों के बीच प्यार पर आधारित फिल्म की कहानी लिखी जा रही है। इस फिल्म की कहानी में कम से कम 4 सुपरस्टार को एक साथ रखा जा सकता है, क्योंकि पहले वाली फिल्म सनम बेवफा में सलमान खान के साथ बॉलीवुड के सबसे बड़े खलनायकों में शामिल प्राण और डैनी को केंद्र में रखकर फिल्म का निर्माण किया गया था। इस बार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड के सबसे क्यूट रोमांटिक कहे जाने वाले ऋषि कपूर को सेंटर में रखकर कहानी लिखी जा रही है। जब से दोनों ने 102 नॉट आउट में एक साथ काम किया है, दर्शक दोनों को फिर से एक साथ बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। ऐसे में सनम बेवफा का रिमेक बॉलीवुड की सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म के रूप में देखी जा रही है, जो बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है। जब भी भारत और पाकिस्तान में एक साथ फिल्म रिलीज होती है तो बहुत बड़ा धमाका होता है और ये धमाका बॉक्स ऑफिस पर साफ दिखाई देता है। गुप्त खबरों की बात माने तो इस रिमेक में किसी नए चेहरे को नहीं बल्कि सलमान खान खुद इस फिल्म में अपना रोल दोहराना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो इतिहास खुद को एक बार फिर से दोहराएगा। जिधर देखो हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां दिखती हैं। सड़क पर लड़की, पेड़ के नीचे लड़की, कैंटीन में लड़की, छतों पर लड़की, लाइब्रेरी में लड़की, खेल मैदानों में लड़की, स्कूल के गलियारों में लड़की, परेड के सिपहसालारों में लड़की, घोड़ा चलाती लड़की, हवाई जहाज उड़ाती लड़की, कैंपस में आप चाहे हवा में किधर भी पत्थर उछाले वैसे फूल भी उछाल सकते हैं। सर्दियाँ वो किसी लड़की को ही जाकर लगेगा। समूह में गाना गाती लड़कियाँ, अकेले साइकिल चलाती लड़कियाँ, सड़क किनारे कपड़े प्रेस कराती लड़कियाँ, कैंटीन में दुकानदार को चूना लगाती लड़कियाँ, ये सारी बातें फिल्मी गलियारे और रियल लाइफ में भी सही साबित होती है। हर ओर घनीभूत लड़कियों का सामुच। मैं ये उस समय की बात कर रहा हूँ जब सिनेमा हॉल बहुत कम हुआ करते थे और लोगों के घर में टीवी भी नहीं थी। सिनेमा हॉल कम थे और हॉस्टलों में टीवी नहीं थे, लेकिन कैंपस में हर 15 दिन पर फिल्म का मेला भरता था। कोई सिनेमा हॉल नहीं था, रेती से भरे खुले मैदान में थी नाटकशाला। इसी नाटकशाला पर मटमैला पर्दा तान कर चलता था सिनेमा। आंखें मिचमिचा कर टिमटिमाते सितारों के नीचे पुराने प्रोजेक्टर पर चलता था सिनेमा। हर दूसरी फिल्म सलमान खान की हुआ करती। जनवरी के महीने में बफानी सर्दी के बीच ओपन एयर स्क्रीनिंग, सनम बेवफा में नीली जैकेट पहने घोड़े पर सवार सलमान खान की एंट्री होती है और 2,500 लड़कियां किसी बला की तेजी से अपनी गोद में रखे स्वेटर, चुन्नी, जैकेट दुसाले हवा में उछालती है। पीछे से आ रही है प्रोजेक्टर की रोशनी के मध्य स्याह आकृतियां चस्पा हो जाती है। नायक की छवि अंधेरे के धब्बों से भर जाती। सलमान खान को पर्दे पर अनगिनत परछाइयां घेर लेती। अनगिनत लड़कियां थी, सबके अपने सलमान खान थे, कुछ सच्चे कुछ कल्पित, सबके मन में अपनी पिक्चर चल रही थी। पर्दे पर हैं घोड़े पर सवार सलमान खान और हजारों लड़कियां स्वेटर उछालती हुई इन स्याह धब्बों से दुनिया की सबसे पवित्र रोशनी निकलती है। बस यही एक स्टिल इमेज अटक गई है कहीं स्मृति पटल पर। सनम बेवफा 1991 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसका निर्माण और निर्देशन सावन कुमार ने किया है। इस फिल्म में सलमान खान, चांदनी, प्राण और डैनी ने मुख्य किरदार निभाया है। ये फिल्म सिनेमा घरों में 11 जनवरी 1991 को दिखाई गई थी।
और इसके बाद बंगाली भाषा में टेन मोहर नाम से फिल्म बनाई गई, जो 3 मार्च 1995 को दिखाई गई। इस फिल्म की कहानी इस प्रकार, ये फिल्म दो ऐसे परिवार की है जो कई पीढ़ियों से आपस में झगड़ते आ रहे हैं। शेर खान यानी कि डैनी का बेटा सलमान खान को फतेह खान यानी कि प्राण की बेटी रुखसार, रुखसार यानी कि चांदनी से प्यार हो जाता है। जब सच्चाई का पता चलता है तो फतेह खान अपने गुस्से को रोक नहीं पाता और वहीं शेर खान इस खबर से बहुत खुश हो जाता है कि उसके बेटे को दुश्मन की बेटी से प्यार है। वो सलमान खान से वादा करता है वो उसकी शादी रुखसार से करवाएगा। कई मुश्किलों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के समारोह के दिन फतेह खान हक मेहर में ऐसी मांग करता है कि किसी को विश्वास ही नहीं होता। शेर खान इस मांग से हक्का बक्का रह जाता पर अपने बेटी की खुशी के लिए वो उस मांग को पूरा कर देता। इस अपमान का बदला लेने के लिए शादी के अगली सुबह ही वो रुखसार को घर से बाहर कर देता। ये दोनों परिवारों में विवाद उत्पन्न कर देता जो कई लोगों के मौत के बाद भी नहीं रुकता है। शेर खान और फतेह खान दोनों ही अपने फैसले पर अटल रहते जब तक कि उन्हें ये पता नहीं चलता कि रुखसार सलमान के संतान की मां बनने वाली। फिर कहानी में कई मोड़ आते हैं। वैसे फिल्म की कहानी बहुत रोमांचक है। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो जरूर इस फिल्म को देखें। बॉलीवुड में सलमान खान के 30 साल का जश्न मनाने के लिए सोनी मैक्स 2 टीवी चैनल अगले हफ्ते शनिवार 25 अगस्त को शाम 7 बजे बीबी हो तो ऐसी दिखलाएगी। फिल्म की कहानी निर्देशक जेके बिहारी की ही लिखी हुई थी। बीबी हो तो ऐसी 1982 में पाकिस्तान में एक बेहद कामयाब फिल्म बनी। जेके बिहारी ने केवल फिल्म की कहानी ही हूबहू नहीं ली बल्कि फिल्म का टाइटल भी पाकिस्तानी फिल्म से ही लिया। फिल्म आज के दौर के सुपरस्टार सलमान खान की डेब्यू फिल्म थी जिसमें सलमान खान की साइड हीरो की एक छोटी सी भूमिका थी। ये फिल्म सलमान खान को जब ऑफर हुई थी तब उनको हीरो के रोल्स ऑफर मिलने शुरू नहीं हुए थे और उन्होंने रेखा और केसी बोकाड़िया के नाम देखकर फिल्म साइन की थी। फिल्म में सलमान खान तो थे पर उनकी आवाज नहीं थी। फिल्म में उनके लिए डबिंग एक डबिंग आर्टिस्ट ने की थी। फिल्म की कामयाबी से सलमान खान की पहचान नहीं बनी और एक हीरो के रूप में स्थापित होने के लिए उन्हें अपनी अगली फिल्म मैंने प्यार किया तक इंतजार करना पड़ा। सलमान खान ने 10 का दम दमदार वीकेंड के आगामी एपिसोड की शूटिंग के दौरान स्कूल के किस्से सुनाए। जब सलमान ने स्कूल टीचर के साथ पहली बार प्यार में पढ़ने वाला एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो स्कूल में रहते समय अपनी टीचर के साथ फ्लर्ट करते। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि वो अपने स्कूल टीचर को साइकिल से घर छोड़ने जाते थे। उन्होंने कहा किसी को अपने टीचर पर क्रश ना रहा हो तो ये संभव नहीं है। अधिकांश लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन मैं खुले तौर पर कहता हूँ कि मैं अपनी टीचर के साथ बहुत फ्लर्ट करता था। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म सनम बेवफा से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली चांदनी आज बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया से काफी दूर है। सलमान चांदनी की सनम बेवफा सुपरहिट साबित हुई लेकिन पहली सुपरहिट फिल्म करने वाली चांदनी की बाकी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। शायद इसी वजह से चांदनी ने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन बॉलीवुड को छोड़ने के बाद भी चांदनी का बॉलीवुड से प्यार खत्म नहीं हुआ। इसका उदाहरण आपको उनकी बेटियों के नाम से पता चल जाएगा। दरअसल चांदनी ने अपनी बेटियों का नाम करिश्मा और करीना रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आजकल चांदनी डांस टीचर बन गई है। डांस सिखाने के साथ साथ चांदनी इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म भी कर चुकी है। आज से करीब 30 साल पहले सलमान खान 23 साल का था जब रुपहले पर्दे पर उसे पहला ब्रेक मिला। सुनहरे पर्दे पर पहला नाम मिला विक्की भंडारी, एक ग्रे करेक्टर। एक साल बाद ही 1989 में इसी पर्दे ने उसे पहली बड़ी और ब्लॉकबस्टर सफलता दिलाई और वो प्रेम बन गया। बीते 30 वर्षों में सलमान खान की छवि रील और रियल दोनों ही लाइफ में प्रेम से डेविल की भी बनी और देखते ही देखते वो भाईजान बन गए। आगामी 27 दिसंबर को सलमान खान अपना 50वां जन्मदिन मनाएंगे। भारतीय सिनेमा के सितारे के फिल्मों की कहानियां इतनी मनोरंजक, रोमांचक और भावनाओं से ओतप्रोत रही है, उनके असल जिंदगी की कहानी उससे कहीं अधिक रोचक है। 27 दिसंबर 1965 को इंदौर में पैदा हुए सलमान खान अपने पिता सलीम खान की तरह एक पटकथा लेखक बनना चाहते थे लेकिन सिनेमाई करियर एक्टर के तौर पर चल निकला। हालांकि यह अजब संयोग है कि बीते 30 वर्षों में जाने अनजाने सलमान ने अपने जीवन की ऐसी पटकथा लिखी जिसमें प्यार से लेकर तकरार, अर्ज से लेकर फर्श और लार्जर देन लाइफ तक सब कुछ है। पहली फिल्म, पहली ब्लॉकबस्टर। सलमान खान की पहली फिल्म 1988 में बीबी हो तो ऐसी थी
जिसमें उन्होंने फारूक शेख के भाई और रेखा के देवर का किरदार निभाया था। दुबले पतले सलमान को इस फिल्म ने पर्दे पर सिर्फ इंट्रोड्यूस करने का काम ही किया, लेकिन 1989 में पहली बार बतौर हीरो मैंने प्यार किया ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। निर्देशक सूरज बड़जातिया की ये पहली फिल्म थी जो ब्लॉकबस्टर रही। पहला एक्शन अवतार। साल 1990 में रिलीज फिल्म बागी में साजन और फिर 1991 में पत्थर के फूल में सूरज वर्मा के किरदार ने सलमान खान के एक्शन अवतार को सबके सामने रखा। इसके बाद 1992 में आई जागृति उनकी पहली फुल पैक एक्शन फिल्म कही जा सकती, पहली फ्लॉप फिल्म। साल 1989 में मैंने प्यार किया जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद एक साल बाद सलमान खान की अगली फिल्म पिट गई। 1990 में आई बागी ना तो बॉक्स ऑफिस पर चली और ना ही लोगों के दिलों में जगह बना पाई। हालांकि इसके अगले साल 1991 में सनम बेवफा ने फिर से सफलता का स्वाद चखाया। पहली मल्टी स्टारर फिल्म। सलमान के करियर में मशहूर जोड़ी के तौर भले ही हमेशा चर्चा अमर प्रेम और करण अर्जुन की होती है, लेकिन पहली बार उन्होंने फिल्म साजन में अपने करीबी दोस्त संजय दत्त के साथ स्क्रीन साझा किया। साजन 1991 की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। सलमान आमिर खान के साथ अंदाज अपना अपना और शाहरुख खान के साथ करण अर्जुन और हम तुम्हारे हैं सनम में काम कर चुके हैं बतौर राइटर। पहली फिल्म। सिनेमाई दुनिया की बुलंदियों को छूने वाले सलमान ने कई मौकों पर फिल्मों की कहानी लिखने का भी काम किया। यकीनन ये हमेशा से उनकी चाहत रही, लेकिन 1991 में बागी होया, 1993 में चंद्रमुखी और 2010 में आई वीर, इनमें से कोई भी फिल्म सलमान के इस पक्ष को निखार पाने पर असफल रही। तीनों ही फिल्में बुरी तरह से पिट गई। पहला स्पेशल अपीयरेंस। साल 1996 में महमूद की फिल्म दुश्मन दुनिया का में सलमान खान पहली बार मेहमान कलाकार के तौर पर दिखे। इस फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में थे। इसके बाद वो 1997 में दीवाना मस्ताना, 1999 में सिर्फ तुम और 2000 में आई ढाई अक्षर प्रेम के जैसी कई फिल्मों में नजर आए। इसके बाद तो उन्होंने कई फिल्मों में मेहमान भूमिका निभाई है। पहला पहला प्यार है। सलमान खान की जिंदगी उनकी प्रेमिकाओं के कारण भी चर्चा में रही है, लेकिन उनकी पहली प्रेमिका 90 के दशक में पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमा अली। 100 करोड़ क्लब की पहली फिल्म। सलमान खान बॉक्स ऑफिस के सरताज। भारतीय सिनेमा जगत में उनके नाम लगातार 9 ऐसी फिल्में हैं जो 100 करोड़ 200 करोड़ और 300 करोड़ में शामिल हैं। कमाई के मामले में 1994 में आई हम आपके हैं कौन ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाया था। इस फिल्म ने तब 70 करोड़ रुपए की कमाई की, जो एक रिकॉर्ड है। इस फिल्म के रिकॉर्ड को 2001 में आई सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने तोड़ा। हालांकि इन सब के ऊपर 2010 में आई दबंग 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई। इस फिल्म ने 100 करोड़ क्लब की शुरुआत और फिर सलमान ने बैक टू बैक 9 सुपरहिट फिल्में दी। अब सलमान खान 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के टीजर को लॉन्च कर करके चारों ओर तहलका मचा दिया है। इसमें सलमान कहते हैं, बाबूजी कहते थे कुछ रिश्ते जमीन से होते हैं और कुछ खून से, मेरे पास दोनों ही। कहा जा रहा है कि सलमान खान की तरह कैटरीना के भी फिल्म में 5 अलग अलग लुक होंगे। ये एक पीरियड फिल्म है। अगर सनम बेवफा का रिमेक बनता है तो सलमान खान के खाते में पूरे 1000 करोड़ जाएंगे, क्योंकि सलमान खान इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस भी करेंगे। वैसे अभी इस फिल्म के रिमेक की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये फिल्म भारत पाकिस्तान के रिश्तों को कितनी मजबूती देगी। क्या ये फिल्म बननी चाहिए कि नहीं? अगर बनती है तो बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का बिजनेस कर सकती है? आज के लिए बस इतना ही।